नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। पांडुना स्थित डाइट्रिक कंपनी के प्लांट में सब्जियों से कई प्रकार के खाद्य पदार्थ और पाउडर तैयार किए जाते हैं। शुक्रवार शाम को कंपनी के D4 प्लांट में अज्ञात कारणों से अचानक रासायनिक विस्फोट हो गया, जिससे प्लांट में काम कर रहे 13 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से गंभीर रूप से घायल 4 मजदूरों को नागपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। इनमें से 30 वर्षीय नरेंद्र संतोष कोहले निवासी जवाहरबाट पांडुना के उपचार के दौरान मौत हो गई और 23 वर्षीय चंद्रशेखर सुखदेव सांबरे पांडुना अंकुश राम भाव हिंग से भंडार गोंदी तथा 30 वर्षीय नरेंद्र विजय भटनागरे मोर डोंगरी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मजदूर की मौत के बाद जब खबर समय जगत ने कंपनी के प्रबंधन अधिकारी श्री लिखाड़ से दुर्घटना के कारण आगे की जांच कार्रवाई और मृत एवं घायल मजदूरों के परिजनों की सहायता की भावी योजना के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने यह कहकर बात करने से इनकार कर दिया कि दुर्घटना की सारी जानकारी मीडिया में है। मेरा नंबर लीक होने से सभी के फोन मेरे पास आने से मैं भारी दबाव में हूँ और अभी कोई दबाव देने या कुछ भी बताने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। श्री लिखाड़ तो अपनी मानसिक स्थिति का हवाला देकर अपनी जवाबदारी से बच निकले, लेकिन देखना ये है कि कंपनी प्रबंधन, पुलिस और प्रशासन हादसे के दोषी और पीड़ितों के साथ अब आगे क्या सलूक करते हैं। खबर समय जगत के लिए पांडुना से देवेंद्र खुरसंगी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.